नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल गीता के पकवान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़ा, जो ना दाल भिगोने का झंझट ना पीसने का झंझट है, बस फटाफट बनने वाला है। जब भी आपको मन करे खाने का तो आप ये दही बड़ा बना सकती हैं। घर में दही है, घर में ब्रेड रहता ही है, बस उसी से आप बनाइए। देखिए ये है ब्रेड, आप जितना आप बना सकते हैं। ये झटपट बनने वाला, कोई मेहमान आ जाए तो आपको दही बड़ा बनाना है तो फट से बेसन घोलिए, बस बना लीजिए। एक काला नमक है, सफेद नमक, जीरा और काली मिर्च भुना हुआ, ये लाल मिर्च है, लाल मिर्च भी भूंज के ही डालना है, मैं पहले से ही भूंज दी थी। चलिए अब पहले दही बना लेते हैं। 250 ग्राम दही है, बहुत जल्दी बन जाता है ये, कुछ बाजार से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, घर में दही रहता ही है, घर में ब्रेड भी रहता है, जब मन चाहे तब आप बनाकर खा सकते हैं। अच्छी तरह से फेंट लीजिए, जो ढीला ढीला न रहे दही का, थोड़ा मिक्स हो जाए। थोड़ा मैं दही रख देती हूँ ऊपर से डालने के लिए। काला नमक डालिए आधा टीस्पून, सफेद नमक आधा टीस्पून, जीरा काली मिर्च आधा टीस्पून भुजा हुआ है, मिर्च भी भुजा हुआ है, अपना जितना तीखा चाहिए उतना आप डालिए। अच्छी तरह से मिलाकर मिलाकर रख लीजिए। थोड़ी सी दही में पानी डाल देते हैं कि वो ब्रेड पूरा पानी सूखेगा। पहले ब्रेड काट लेते हैं, जैसे इच्छा वैसे काटिए, चाकोर या गोल किसी तरह भी। देखिए मैं गोल गोल काट रही हूँ। जितना बनाना हो उतना ही बनाइए कि फट से बन जाता है, केवल घर पर दही और ब्रेड रहना चाहिए, बस फटाफट बन जाएगा। कोई भी गेस्ट आता तो तुरंत बनाकर अब खिला सकते हैं दही बड़ा, दाल में भिगोने का कोई झंझट नहीं है। ये काट लिए हैं, अब ये देखिए बेसन, सौ ग्राम के करीब बेसन है, इसमें नमक डाल देंगे, सफेद नमक और थोड़ी सी मिर्च पाउडर, अब इसको पानी डालकर घोल बनाना है। अच्छी तरह पूरा फेंट लीजिएगा,
देखिए ज्यादा पतला नहीं रखना है। देखिए घोल तैयार है, तेल गरम हो गया है। देखिए ब्रेड को ऐसे डिप करके ऐसे भिगो दीजिए इसको। उसके बाद तलिए, मीडियम आंच कर लीजिएगा। बेसन को खूब अच्छी तरह से फेटिएगा ताकि वो फूल जाए और सॉफ्ट बने, हार्ड ना हो। देखिए लाल हो गया है, इसे दही में डाल देते हैं। दूसरा ब्रेड डालते हैं। चम्मच से ब्रेड को एक एक करके ही इसको तलिएगा तो बेसन से ये चिपक जाएगा आप एक दूसरे में। बहुत जल्दी बनता है, ज्यादा झंझट भी नहीं है। दाल भी वो दाल पीसो, घर में ब्रेड रहता है, मन किया खाने का बना लिया। लाल हो गया है, मैं इसको निकाल देती हूँ और फिर दही में डाल दूंगी। इसी तरह मैं सारा तल लेते हैं। हम सारा तल लेंगे तब तक सारा तल लिए हैं। देखिए सारा तल आ गया है, अब मैं बाद में दिखाती हूँ। चलिए अब गैस ऑफ करते हैं। देखिए ब्रेड का दही बड़ा तैयार है, फटफट बन गया, बहुत जल्दी बन जाता है। केवल घर में सामान रहना चाहिए, सब घर का ही सामान से बना है, ज्यादा कुछ इसमें झंझट नहीं है। घर में ब्रेड दही सब रहता ही है, बेसन वगैरह जब मन हुआ बेसन घोलिए, ब्रेड का दही बड़ा बना लीजिए और खाने में भी टेस्टी लगता है। बिल्कुल पता नहीं चलता है कि दाल का है कि ब्रेड का है। देखिए सॉफ्ट भी बना है, ये अंदर में भी पूरा रस चला गया है। ये देखिए अच्छा लगेगा खाने में, आप एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई करके कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसा लगा दही बड़ा, फटाफट बनने वाली दही बड़ा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैं ऐसे ही हर तरह की वीडियो बना कर मैं देती रहूंगी। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।